अजी कैसा चल रहा है सर चुनाव प्रचार के बाद? आज मतदान चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और लोगों ने जो हमें संभावना थी, जो हमारी सोच थी कि लोग आदमपुर की बदहाली के खिलाफ, लोग इस सरकार के भ्रष्टाचारी पॉलिसी के खिलाफ, यानी कि जो मैं बार बार कहता था, दो दोस्त लगे हुए हैं आदमपुर, एक कुलदीप बिश्नोई परिवार के रूप में और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के रूप में, उन दोस्तों को काटने के लिए लोगों ने एक ही निर्णय लिया कि हाथ के पंजे पर बटन दबाते रहो, उन दोस्तों से छुटकारा पाता। जिस बूथ पर आप खड़े हैं, इस पर भव्य बिश्नोई ने वोट डाला है, तो यहाँ पर कैसी स्थिति आप कांग्रेस की अपने आप की मान रहे हैं? कांग्रेस यही तो मजबूत है, मंडी के लोग भूल थोड़े जाएंगे उस जमाने को। पुराना बूथ कांग्रेस का है, ये पुराना बूथ कांग्रेस का, इसको भूल जाएंगे कि चर्चर अर्थे ईंट के लगा करके यहाँ लोगों ने अपनी दुकानें बचाई थी। उस वक्त ये परिवार कहाँ था जब यहाँ के लोगों को रसोई में भी गटर का पानी मिलता था? उस वक्त ये परिवार कहाँ था? भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? 5 महीने तक आदमपुर काले पानी के रूप में बदला रहा, तो इसलिए इसका स्वरूप भी बदल दिया इन लोगों ने। तो इसलिए आदमपुर के लोग इनको वोट, अब की बार आप लोग देख लें 2009 में और आज में बड़ा भारी अंतर दिखाई दे रहा है मुझे। इनके हौसले देख लो ना यार, के उड़ा कर रहे हैं कि 26 साल के वनवास को खत्म करने का समय, इसको तो परमानेंट वनवास में भेजेंगे लोग। मतदान प्रक्रिया ठीक चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था वर्तमान वो ठीक? क्या कुछ अपील करोगे लोगों से? मेरी अपील है कि अभी चुनाव का संपन्न होने में कम से कम 5-6 घंटे बाकी हैं। लोगों ने आदमपुर की खुशहाली के लिए, हरियाणा प्रदेश में प्रगतिशील सरकार लाने के लिए, भ्रष्टाचारी सरकार को, जातिवादी मजहब और धर्म पर विश्वास रखने वाले लोगों को बाहर करना चाहिए। क्योंकि मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ सुन करके, जब इस कुलदीप बिश्नोई के घर में कोई काम काज होता है तो एक जाति विशेष के लोगों को तो टेंट भी अलग लगा दिए जाते हैं। यानी कि देश के 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी आज ये परिवार उन दलित को और पिछड़े वर्ग के लोगों को गले लगाने का काम नहीं करे, तो ऐसे व्यक्ति को दलित समाज और पिछड़ा वर्ग कभी वोट नहीं देगा। भाई दोस्तों, जिनने वीडियो नहीं देखी हो, वीडियो देख लो, नीचे फोटो होगी उसे क्लिक कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।